शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है। एक दिन बाजार ऊपर चढ़ता है, एक दिन गिरता है। बाजार में कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर MSCI इंडेक्स है। 1 मार्च से MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के बदलाव लागू होंगे। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का वेटेज भारत पर रिकॉर्ड हाई पर है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज 17.9% से बढ़कर 18.2% हो गया है। नवंबर 2020 के मुकाबले MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का भारत में वेटेज 2 गुना हो गया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंडेक्स में 12 स्टॉक्स के वेटेज में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 के वेटेज को घटाया गया है। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में 27 नए स्टॉक्स शामिल हुए हैं और 14 शेयरों का वेटेज बढ़ा है। ये बदलाव कल से लागू हो जाएगा। MSCI इंडेक्स को दुनिया भर के बड़े निवेशक फॉलो करते हैं। इंडेक्स में वेटेज जानकर ही निवेशकों के लिए निवेश का फैसला लेना आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई बड़ा निवेशक किसी इंडेक्स के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। समीक्षा में इंडेक्स से एक स्टॉक बाहर निकाला जाता है और एक स्टॉक शामिल हो जाता है, तो संभावना पूरी है कि इंडेक्स को ट्रैक करने वाला इन्वेंटर बाहर निकलने वाले स्टॉक्स से पैसा निकालेगा और इंडेक्स में शामिल होने वाले स्टॉक्स में पैसा लगाएगा, जिससे उसकी ट्रैकिंग इंडेक्स के हिसाब से ही बनी रहेगी। निवेश के इसी अनुमान का असर स्टॉक की चाल पर पड़ता है। हालांकि फंड मैनेजर रिटर्न के मामले में इंडेक्स को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए निवेशक अपनी रणनीति अपनी तरह से चुनते हैं। हालांकि इंडेक्स से उनकी रणनीतियों के संकेत मिल जाते हैं। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में इरिडा, स्वान एनर्जी, होनासा कंज्यूमर, फैसलो डिजिटल, सेलोवर्ड, KPI ग्रीन को शामिल किया गया है। वहीं 14 स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा है, जिसमें 5 स्टार बिजनेस, GSK फार्मा, 361 WAM, होम फर्स्ट फिन, सुवान फार्मा शामिल है। साथ ही 6 शेयरों का वेटेज घटा है, जिसमें गुजरात गैस, जी एंटरटेनमेंट, NBCC, जय बालाजी इंडस्ट्री, किर्लोस्कर इंजन, PDS लिमिटेड शामिल है। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंडेक्स में PNB, NMDC, BHEL, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और GMR एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है। वहीं Zomato, DLF, MRF, PTM, बंधन बैंक, इंडिगो, डॉक्टर रेड्डीज और बंधन बैंक का वेटेज बढ़ाया गया है। वहीं जियो फाइनेंशियल्स और कॉनकोर का वेटेज घटाया गया है। जिन शेयरों का MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ा है या शामिल किया गया है, उनमें इनफ्लो बढ़ सकता है, यानी कि निवेशक पैसा लगा सकते हैं। MSCI इंडेक्स में बदलाव से 10,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो बढ़ सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।